अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप पहले एक हिंदू भाई का बयान सुने। जो अल्लाह को माने, जो मोहम्मद साहब को माने, जो कुरान को माने और जो मूर्ति पूजा ना करे, बुत परस्ती ना करे, वो पक्का मुसलमान है। अब आप कहेंगे कि जो अल्लाह को मानेगा, जो कुरान को मानेगा, जो मोहम्मद साहब को मानेगा, तो वो तो हो ही गया मुसलमान, उसमें बुत परस्ती कहां से आ गई। नहीं, बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जो अल्लाह को मानते हुए, मोहम्मद साहब को मानते हुए, कुरान को मानते हुए भी बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। आप कहें कैसे करते हैं? कब्र को पूजते हैं। इस्लाम में कब्र पूजा हराम है। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति को दफना करके, उसकी पक्की कब्र बना करके, उस पर चादर चढ़ा करके उसकी इबादत करना हराम है। मोहतरम नाज़रीन, आपने इस हिंदू भाई का बयान सुना। अफसोस है उन मुसलमानों पर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानते हैं, लेकिन काम इस्लाम के खिलाफ करते हैं। ऐसा काम जो इस्लाम में हराम है, ऐसा काम जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, वो काम करते हैं। और उस बात को, उस काम को हिंदू भाई ने बयान किया कि ये लोग भी कब्र को पूछते हैं, ये लोग भी कब्र की इबादत करते हैं। इनका बयान बिल्कुल सही है, इन्होंने ये बात भी बिल्कुल सही बताई कि इस्लाम में कब्र परस्ती जायज़ नहीं है, इस्लाम में कब्र की इबादत करना ये हराम है, सजदा करना मना है। और ये बात बिल्कुल सही है। देवबंद के उलमा या जमात इस्लामी के उलमा या गैर मुखल्लिदीन के उलमा अगर कहें तो मुमकिन है कि कोई कहे कि ये देवबंदियों का मसला है या ये जमात इस्लामी वालों का मसला है या गैर मुखल्लिदों का मसला है, वहावियों का मसला है। लेकिन मसला सिर्फ ये वहावियों का नहीं है, बल्कि ये मसला तो बरेलवियों का भी है। बरेलवी मसलक के जो सबसे बड़े माने जाने आलिम दीन मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी मरहूम, जिनको ये लोग आला हजरत के नाम से जानते हैं, आला हजरत के नाम से पुकारते हैं, तो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सजदा गैरुल्लाह को अगर बतौर इबादत की किया जाए तो कुफ्र है, और अगर बतौर ताज़ीम भी किया जाए, जिसे सजदा ताज़ीम कहा जाता है, तो ये भी मना है, ये भी ममनू है, ये भी हराम है।